अब हम बात करेंगे डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज क्या है कि अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप किस तरीके से जो क्वेरीज हैं उनको रन कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्रिएट डेटाबेस वाली क्वेरी हम कैसे रन करते हैं। क्रिएट डेटाबेस लिख के डेटाबेस का नेम देते हैं और सेमी कॉलन लगाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी वो डेटाबेस क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस का नेम देके और उससे पहले हम लिख देते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस क्रिएट करें अगर इस नेम की डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे ये होगा, ये कोड रन करने से, ये कमांड रन करने से, ये क्वेरी रन करने से क्या होगा कि अगर आपकी इस नेम की डेटाबेस, जो आप स्पेसिफिक नेम की डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर उस नेम की डेटाबेस नहीं होगी तो क्रिएट होगी इस आपके एमएस माई एसक्यूएल के वर्क बेंच में। अगर आपकी ये डेटाबेस नाम की डेटाबेस पहले से क्रिएट हुई होगी तो वो आपको वार्निंग दे देगा। और इसी तरीके से ड्रॉप डेटाबेस है। ड्रॉप डेटाबेस में क्या होता है कि आप ये भी देख चुके हैं कि किसी भी डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप डेटाबेस लिख के उसका नेम देते हैं और सेमी कॉलन लगा के आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ड्रॉप हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप ड्रॉप डेटाबेस करना चाहते हैं तो आप कर देंगे कि वो डेटाबेस ड्रॉप करनी है जिसका नेम है ये वाला जो आपने स्पेसिफाई किया है, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती हुई। तो इससे कैसे जो है डेटाबेसेस जो हैं वो क्रिएट और डिलीट होती हैं, हम ये भी माई एसक्यूएल के वर्क बेंच पे चेक करते हैं। यहां पे मैं क्रिएट करता हूं जी, क्रिएट डेटाबेस। अगर मैं यहां पे कोई ऐसे नाम की किसी कंपनी के नेम से जो है वो क्रिएट कर लेता हूं, कंपनी, और मैं इसको करता हूं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे यहाँ पे क्रिएट कर दे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी क्रिएट डेटाबेस, इफ नॉट नेम होना चाहिए जी कंपनी, सेमी कॉलन, और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे मुझे अब ये मुझे वार्निंग दे रहा है। क्यों वार्निंग दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं पहले कर चुका हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट लिख के कंपनी के नाम से अगर हम दोबारा से डेटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे तो चूंकि पहले क्रिएट कर चुका है इसलिए ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट नहीं होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डेटाबेस करूँ, ड्रॉप डेटाबेस कंपनी, तो ये तो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस होगी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, डेटाबेस है जी कंपनी के नाम से, सेमी कॉलन, अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने पे ये यहाँ पे मुझे वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्यों दे रहा है कि इसलिए दे रहा है डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। यहां पे अगर हम देखें तो वार्निंग इसलिए दे रहा है कि ये कह रहा है कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं शो करवाना चाहूं जितनी भी डेटाबेसेस क्रिएट की हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा शो डेटाबेसेस सेमी कॉलन, और इसको मैं यहां से एग्जीक्यूट करवाता हूं तो ये मुझे डेटाबेस शो कर देगा। कॉलेज के नाम से ये डेटाबेस और इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, माई एसक्यूएल है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, सिस्टमैटिक कॉन्फ़िगरेशन का एक डेटाबेस है। सो हमने जो क्रिएट किया वो है डेटाबेस कॉलेज के नाम से, बाकी जो है वो सिस्टम की इंटरनल जो है डेटाबेसेस है। तो यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड जो है डेटाबेसेस जितनी भी क्रिएट की हुई हैं वो सारी की सारी शो करवा देगा। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ शो टेबल्स, जितने भी टेबल्स क्रिएट किए हैं इसको मैं अब यहां से सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूं तो मुझे ये टेबल्स जो हैं वो शो करवा देगा। अब इन टेबल्स में यहां पे जस्ट हमारे पास कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम का एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें हमने ये वाली वैल्यू जो थी वो इंसर्ट की थी। तो ये हमारे पास जो टेबल आएगा वो यहाँ पे शो टेबल्स करने से एग्जीक्यूट होके शो हो जाएगा।